आपस की बात है कि सबा कमर क्या खाती है, क्या खाती, डाइट क्या उसकी, इतनी स्मार्ट, इतनी फिट। सबा के बारे में एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, सबा खाती है सब भाई, सबा सब कुछ खाती है, शी ईट्स वेल और हेल्दी। और सबा की सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ आई थिंक ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि शी इज सो हार्ड वर्किंग। यानी जब मैंने उसके हमने कोई काम किया 5-6 साल के बाद, एक्सट्रीम फोकस, जब मैंने काम किया ना तो मैंने कहा सबा इतनी मेहनत, अब भी मुझे सबा के फिक्रे याद है। मेरे ख्याल से मैं शायद इजी हो गया था। क्या मेहनत से क्या मतलब, मेहनत यार उसने अगर सीन करना है वो सीन पे फोकस करेगी, इस लाइन को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छा जो साथ को एक्टर है दोबारा लाइंस करो, एक बार फिर करते हैं। और अगर हमारे यहाँ क्या होता है, मैं 90% लोग क्या कहते हैं कि यार हो गया सीन, यार दोबारा नहीं रो सकते। अगर डीओपी ने कुछ कह दिया कि यार दोबारा कर ले, कहेंगे नहीं दोबारा करते हैं और अच्छा करेंगे। ये मोटिवेशन बहुत कम लोगों में है। और मुझे लगता है कि मैंने सबा को कहा कि सबा आई थिंक यू हैव मोटिवेटेड मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू वर्क हार्ड। और सबा ने कहा था कि जब अल्लाह आपको इज्जत देते हैं ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, अब लोग हमारा काम ज्यादा गौर से देखते हैं, तुम गलती नहीं कर सकते। क्या बात है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतने बड़े स्टार होने के बाद भी उतनी ही ज्यादा मेहनत और करते हैं। मोटिवेशन है बहुत से लोगों के, लोग सीखते हैं। तो हम वही बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान जिससे आप कुछ सीखते हैं वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल, कोई भी आप अच्छी बात सीखते हैं उससे वो आपका उस्ताद है। और हम और नादिया डिस्कस ये भी कर रहे थे कि पहले कुछ कई सालों पहले, बल्कि कुछ साल पहले नहीं कई साल पहले, उस वक्त एक बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता था पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। पेरेंट्स भी सख्ती करते थे, बच्चे बहुत डर होता था बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए कि भाई ये ऐसे नहीं हो तो ऐसे हो, ये कंपटीशन की जो है ना एक वो माइंडसेट बना दिया जाता था। और टीचर सख्ती करते थे तो माँ बाप को मार भी देते थे टीचर, तो माँ बाप कुछ नहीं कहते थे। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम सीखते हैं जिंदगी की हर स्टेज पे। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।